मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की एक बहुत ही सरल साखी है। इस समय हम लोग उस साखी पर थोड़ी चर्चा करें। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन से लियाओ। सदगुरु कबीर की एक एक वाणी इतनी मार्मिक होती है कि उनकी एक साखी पर हम विचार कर लें और विचार करने के बाद आचरण कर लें तो हमारे जीवन कल्याण के लिए ही नहीं, पूरी विश्व शांति के लिए एक साखी पर्याप्त है। विश्व शांति की बहुत बात होती है, बड़े बड़े नेता, अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के समय समय से गोष्ठी करते हैं, आयोजन करते हैं कि विश्व में शांति कैसे आए। और जो लोग विश्व शांति के लिए चिंतन मनन करते हैं वही लोग विश्व में अशांति फैलाने वाले होते हैं। हथियार बनाना बंद कर दो, बम बनाना बंद कर दो, दूसरे देश पर आक्रमण करना, दूसरे देश को लूटना बंद कर दो, अपने आप विश्व शांति आ जाएगी। खाली चर्चा करने से विश्व शांति नहीं आएगी, और चर्चा करने मात्र से आत्म शांति भी नहीं आएगी। हम लोग आत्म शांति के लिए यहां आए हैं, और केवल हम कहें और आप सुने तो इतने मात्र से विश्व आत्म शांति नहीं होने वाली है। यह सत्संग फैशन नहीं होता है, लेकिन लोगों ने सत्संग को एक प्रकार का फैशन बना लिया है। कुछ लोग आ गए, मंच पर बैठे और ज्ञान की बातें हांक दिए, कह दिए। कुछ लोग आए, पंडाल में बैठे, ज्ञान की बातें सुन लिए और चल दिए। न कहने वाले के जीवन में कोई फर्क है, न सुनने वाले के जीवन में कोई फर्क है। एक फैशन, एक मनोरंजन का साधन बना लिया गया। बस हम मंच पर बैठ करके ज्ञान की बातें झाड़ गए, लोग कहेंगे भाई बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। लोग आ गए सत्संग में, दो घंटा तीन घंटा बैठे रहे, फिर बड़े अच्छे सत्संगी, बहुत लोग सत्संग सुनने के लिए आए थे। जीवन में परिवर्तन कितने लोगों का हुआ कहने सुनने वालों में से? जिसके जीवन में परिवर्तन हुआ वही ज्ञानी, वही सत्संगी, वही भक्त, वही पुजारी। और ये कहने सुनने से नहीं होना है। सत्संग फैशन की चीज नहीं है, सत्संग मनोरंजन स्थल नहीं है, सत्संग है परिवर्तन स्थल। किसका परिवर्तन? स्वभाव का परिवर्तन, मन का परिवर्तन, चिंतन का परिवर्तन, और कहना चाहिए जीवन का परिवर्तन। लेकिन जीवन का परिवर्तन कैसे होगा? जब कर्म में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन आएगा, वाणी में परिवर्तन आएगा, आचरण में परिवर्तन आएगा, हमारे चिंतन में परिवर्तन आएगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तो नहीं आया
तो खाली कहते सुनते रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने कहा है कि क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिली गाय, ये पंडितों की बड़ी बड़ी पोथियों को गाने से क्या होगा। पंडित से मतलब अमुक जाति वाला नहीं, कोई भी पंडित पुरोहित, हर जगह पुरोहित तो होते हैं, हर मत में हर पंथ में हर संप्रदाय में पुरोहित आ जाते हैं। अब पुरोहितों का काम होता है केवल महिमा की बात बताना, कर्मकांड की बात बताना, जिससे अधिक दक्षिणा मिले, पुजारी मिले और लोगों को पाप काटने के सस्ता रास्ता मिले। ऐसी पुस्तकों को रात दिन हम कहते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें तो क्या होगा। और ये भी समझना होगा, पाप काटने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है। नाना संप्रदायों में, और नाना क्या कहना चाहिए, दुनिया के सभी संप्रदायों में, कोई संप्रदाय, कोई मत, कोई पंथ, कोई मजहब अछूता नहीं है। सभी मत के गुरुओं ने पाप काटने के लिए सस्ता सस्ता रास्ता निकाल लिया है। क्यों, आप लोग भी चाहते हैं कि हमें जीवन में कोई त्याग, कोई तप, कोई संयम, कोई साधना ना करना पड़े, अपने इंद्रियों को, अपने मन को मारना ना पड़े। उल्टा सीधा हम जो कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाते पीते रहें, बोलते बतियाते रहें, करते धरते रहें और कोई नाम जप लें, कोई पूजा कर लें, हमारा मोक्ष मिल जाए सस्ते में बिना साधना के। आप लोगों की इसी कमजोरी का फायदा नाना मत के पुरोहितों ने निकाला है, लेकिन पाप कटने का, भवसागर तरने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है। एक सज्जन ने कहा, महाराज हमारे गुरु ने तो हमें भवसागर से तरने के लिए, पाप काटने के लिए एक सस्ता रास्ता बता दिया है। तो उनसे कहा गया, बड़ी अच्छी बात, आपके गुरु बड़े अच्छे हैं, पहुंचे हुए हैं, चमत्कारी हैं, सिद्ध बाबा हैं, उन्होंने पाप काटने के लिए, भवसागर तरने के लिए आपको सस्ता रास्ता बता दिया है। ऐसा करना, जरा पूछ करके आना अपने गुरु से कि गुरु जी खेती करने का कोई सस्ता रास्ता बता दो कि आज हम खेत में बीज डालें और चार दिन बाद हमारे खेत में धान और गेहूं लहलहा जाए, हमें बहुत मेहनत ना करना पड़े, प्रतीक्षा ना करना पड़े। ये पूछ कर आना अपने गुरु से, ये पूछना कोई सस्ता रास्ता कि आज लड़का विद्यालय में नाम लिखाए, किताब ना पढ़े, कापी ना खरीदे, कुछ लिखे ना, कोई नाम जप ले, कोई पूजा कर ले, उसे विद्या आ जाए और विद्वान आ जाए, विद्वान बनने का सस्ता रास्ता पूछना अपने गुरु से। कहीं इसका सस्ता रास्ता तो नहीं है। तो जैसे विद्वान होने का सस्ता रास्ता नहीं है, खेती करने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए कोई सस्ता रास्ता नहीं है, ऐसे ही पाप काटने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है, ऐसे ही भवसागर से तरने का कोई सस्ता रास्ता नहीं है। रास्ता जो है, चाहे कठिन कहो चाहे जो कहो, रास्ता सबके लिए एक ही है, वह है ज्ञानपूर्वक आचरण, संयम और साधना। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सद्गुरु कबीर सस्ता रास्ता नहीं बताते, इसलिए सद्गुरु कबीर महंगे गुरु हैं। हम लोग कबीर को भी सस्ता बना लेते हैं, कबीर सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? हमारे जो मन इंद्रियों की गलत चाल है
उसके विपरीत रास्ता वे बताते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि जब तक ज्ञान की जो बातें हैं उन पर हम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते और आचरण नहीं करते, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फल होने वाला नहीं है। साहब ने कहा है, गावे कथे बिचारे नाहीं अनजाने का दोहा, कहें कबीर पारस परसे बिना जस पाहन भीतर लोहा। लोग ज्ञान की बातें कहते हैं, गाते हैं, विचार नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, इसलिए सारा गाना और कहना और सुनना अनजाने के समान रह जाता है। कहावत है कि पारस पत्थर से जब लोहा छू जाता है तब सोना बन जाता है, लेकिन साहब कहते हैं यहां तो पारस पत्थर के साथ ही लोहा है, उसी के बीच में है लोहा, पारस पत्थर के बीच में, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा है। क्यों? बीच में रहते हुए भी लोहा से पारस पत्थर छू नहीं रहा है। क्यों नहीं छू रहा है? कि लोहा में कीचड़ लपटा हुआ है या लोहे में मोर्चा लगा हुआ है, लोहे का के ऊपर लगा कीचड़, लोहे के ऊपर लगा मोर्चा, लोहा और पारस के बीच में पर्दा बन गया है, इसलिए पारस पत्थर के साथ रहते हुए भी लोहा सोना नहीं बन रहा है। ऐसे ही हमारे मन की जो अविद्या है, हमारे मन की गलत आदत, हमारे मन का कुटेव, ये पर्दा बन गया है। अब जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं तब तक ज्ञान की बातों का जीवन पर्त नहीं होगा और हमारा जीवन सोना नहीं बनेगा, सुखी और आनंददायी नहीं बन पाएगा। सद्गुरु कबीर तो इस साखी में बताते हैं, जीवन निर्माण के लिए सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ, सारी दुर्बुद्धियों को दूर कर दो, जीवन को अच्छा बनाओ, कौवे की चाल छोड़ दो और हंस के आचरण में, हंस की चाल चलो। चारों बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। पहली बात है दुर्बुद्धि को दूर करना। बुद्धि कम है या ज्यादा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि बुद्धि सुबुद्धि है या कुबुद्धि है। थोड़ी ही बुद्धि हो और सुबुद्धि हो तो वह सुबुद्धि हमें भवसागर से तार देगी, जीवन को सुखी और आनंदित बना देगी। अब बड़ी बुद्धि हो, बड़ी बुद्धि हो, बड़ी तेज बुद्धि हो, वह यदि दुर्बुद्धि है हमें भी डुबाएगी और दुनिया को डुबाने में कारण बनेगी। दुर्बुद्धि का मतलब खराब बुद्धि। आदमी गलत क्यों खाता है, गलत क्यों पीता है, गलत क्यों बोलता है, गलत काम क्यों करता है, लड़ाई झगड़ा क्यों करता है, मारपीट क्यों करता है, मूल में क्या है? दुर्बुद्धि है। एक महात्मा एक जगह बैठे हुए थे, एक व्यक्ति महात्मा को गाली दे रहा था, महात्मा चुपचाप बैठे सुन रहे थे। उधर से एक व्यक्ति और आया, उसने देखा कि महात्मा जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और ये व्यक्ति महात्मा को गाली दे रहा है, तो उसे गुस्सा आ गया। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महाराज जी यदि आप कहें, यदि आप आज्ञा दें तो इस आदमी को अभी मैं ठीक कर दूं।
महात्मा ने कहा इससे बड़ी बात क्या होगी, और किसी आदमी को ठीक करने से बढ़िया बात और क्या होगी। लेकिन यह तो बताओ इसे ठीक करोगे कैसे, क्या रास्ता तुम्हारे पास है ठीक करने का। वो व्यक्ति हाथ में एक डंडा लिया हुआ था मोटा से, कहा अभी चार डंडा जमाऊंगा ठीक हो जाएगा। अरे तो बिगड़ जाएगा, चार डंडा जमाओगे तो ठीक कहां होगा। पहले सोचो कि इस आदमी का बिगड़ा क्या है, हाथ बिगड़ा है कि पैर बिगड़ा है कि पेट बिगड़ा है कि कान बिगड़ा है कि सिर बिगड़ा है, क्या बिगड़ा है। अब तुम डंडा जमाओगे किसमें जमाओगे, हाथ पैर पेट पीठ में जमाओगे, सिर में डंडा जमाओगे, वो तो टूट जाएगा और बिगड़ जाएगा। इस आदमी का कहीं बाहर नहीं बिगड़ा है, बिगड़ी है केवल बुद्धि बिगड़ी है, उस बुद्धि को ठीक कर दो सब ठीक हो जाएगा। हमारी बुद्धि ठीक हो तो क्या हमारी जबान से गाली निकलेगी, हमारी बुद्धि ठीक हो तो आदमी कोई गलत चीज खाए पिएगा, गलत काम करेगा। दुर्बुद्धि कहीं भी विनाश का कारण है, कहीं भी दुख का कारण है तो दुर्बुद्धि है। इतिहास उठा करके देख लो, बड़े बड़े लोग दुर्बुद्धि के कारण बदनाम हुए, और बदनाम ही नहीं हुए उनका कुल परिवार सहित विनाश हो गया। अंत में तो दुनिया को से सबको जाना है, लेकिन जाने जाने में फर्क है। ऐसा काम हम करते हैं कि हमारा विनाश हो कुल परिवार का विनाश हो, ये तो दुर्बुद्धि का ही फल होगा। इतिहास उठाकर देख लो, यदि युधिष्ठिर जुआ न खेलता तो अपने राज्य को क्यों हारता, और 12 साल वनवास एक साल अज्ञातवास का दुख युधिष्ठिर को क्यों भोगना पड़ता, युधिष्ठिर नहीं पांचों पांडवों को क्यों भोगना पड़ता। युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान हैं, धर्मराज कहे जाते हैं, बड़े संयमी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दुर्बुद्धि आ गई। जिस आदमी की बुद्धि सही होगी क्या वो आदमी जुआ खेलेगा, भले और समय अच्छी बुद्धि रही हो लेकिन उस समय तो दुर्बुद्धि आ गई, न खेलता जुआ, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था, दुर्बुद्धि आई। और धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने जुआ खेला, राज्य को हार गया, अपने को हार गया, भाई को हार गया, पत्नी को हार गया, और परिणाम क्या हुआ, 12 साल का वनवास, एक साल का ज्ञातवास और महाभारत की लड़ाई। चलो उनकी दुर्बुद्धि थी, अपने को हार गए वो। इधर जुआ में शर्त यह थी कि जब पांडव 12 साल के वनवास और एक साल का ज्ञातवास करके लौट आएंगे तब उनका राज्य वापस कर दिया जाएगा। राज्य मांगा गया, दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, दुर्योधन की दुर्बुद्धि आ गई। दुर्योधन बड़ा बुद्धिमान था, अनेक अच्छाइयां भी थी दुर्योधन में, केवल बुराई बुराई नहीं थी। ये तो महाभारत में ही बात आती है कि प्रजा ने धृतराष्ट्र से कहा था कि आपके बेटे दुर्योधन के राज्य में हम लोग बड़ी प्रसन्नता से रहते, दुर्योधन हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करता था जैसे एक पिता अपने बच्चे का भरण पोषण और पालन पोषण करता है। तो राज्य के लिए दुर्योधन अच्छा था लेकिन पांडवों प्रति ईर्ष्या थी, दुर्बुद्धि आ गई। श्रीकृष्ण ने कहा था दुर्योधन पांडवों का राज नहीं लौटाते हो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो, पांडव 5 गांव में ही संतोष कर लेंगे, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा बिना लड़ाई के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, क्यों, ये दुर्बुद्धि आ गई। अब इस दुर्बुद्धि के कारण महाभारत की लड़ाई हुई और पूरे कौरव कुल का विनाश हो गया एक दुर्बुद्धि के कारण।
कहानी आती है कि कैसे दुर्बुद्धि में आदमी जानते हुए भी गलत काम कर लेता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, 5-7 दिन बीत गए थे। एक दिन रात के समय दुर्योधन लड़ाई के मैदान से लौट करके आया अपने राजमहल में। रात्रि के समय उनकी महारानी भानुमती ने उनसे पूछा, पतिदेव लड़ाई जैसी चल रही है क्या आपको लगता है कि आपकी विजय हो जाएगी? तो दुर्योधन ने अपनी महारानी भानुमती से कहा, भानुमती अब तो चाहे जो हो जाए, लड़ाई तो छिड़ ही गई है, लड़ाई में चाहे मेरी हार हो या पांडवों की हार हो, बिना लड़ाई समाप्त हुए पांडवों को मैं सुई के नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। लेकिन भानुमती मैं तुम्हें एक बात कह देता हूं पहले से, एक राजा अपनी रानी से कहना चाहिए, एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है एकांत के क्षण में, दुर्योधन पति है भानुमती पत्नी है, तो एक पति दुर्योधन अपनी पत्नी महारानी से एकांत में कहता है, भानुमती लड़ाई में परिणाम क्या होगा, हाजिर किसकी होगी मैं ये नहीं जानता, लेकिन तुमको एक बात मैं पहले से बता देता हूं। भानुमती ने कहा, क्या बात बताना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, तुम विधवा होने की तैयारी कर लिए रहो पहले से। जरा सोचो, एक पति अपने पत्नी से कहता है कि तुम विधवा होने की तैयारी कर ले रहे हो, ये क्या दुर्बुद्धि ही तो है। जानता है दुर्योधन कि मेरी हार हो जाएगी, फिर भी हट केवल दुर्बुद्धि, लड़ाई बंद कर देता, पांडवों को लौटा देता, उसका राज लड़ाई ना होती, विनाश ना होता, इतना बड़ा पतन ना होता। एक दुर्बुद्धि ने पूरे कौरव पांडव कुल को विनाश में डाल दिया। कैकेयी ने सुना कि कल राम का रात तिलक होने वाला, खुश हो गई, लेकिन मंथरा के बहकावे में आ गई कैकेयी और वरदान मांगती है दशरथ से कि राम का राज तिलक न हो करके भरत का राज तिलक हो और राम का 14 साल के लिए वनवास। दुर्बुद्धि आ गई। दशरथ ने कहा, कैकेयी तुम भले भरत के लिए राज्य मांग लो, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन राम का वनवास मत मांगो, राम के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, राम को अयोध्या में ही रहने दो, भरत को राज देने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम का वनवास मत मांगो। लेकिन कैकेयी की दुर्बुद्धि हट पकड़ ली, नहीं राम का वनवास चाहिए चाहिए। परिणाम क्या हुआ? राम का वनवास, दशरथ की मौत और कैकेयी विधवा। कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरे रहते रहते मेरे पति की मौत हो, लेकिन कैकेयी की हट, कैकेयी की दुर्बुद्धि और जीवन भर के लिए क्या सदा सदा के लिए कैकेयी बदनाम हो गई एक दुर्बुद्धि के कारण। और आज कोई माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करती, रखते रहते। तो इतने बड़े बड़े लोग जब दुर्बुद्धि के कारण विनष्ट हो गए, बदनाम हो गए, तो हमारे जीवन में दुर्बुद्धि होगी तो हमारा क्या हाल होगा? सदगुरु कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दुर्बुद्धि जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धन नहीं है कोई बड़ी बात नहीं, विद्या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, पद नहीं मिला कोई बात नहीं, परिवार नहीं है कोई बात नहीं है, दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दुर्बुद्धि आती है आदमी शराब पीता है, दुर्बुद्धि आती है आदमी
गांजा भांग बीड़ी सिगरेट खाता पीता है, दुर्बुद्धि आती है आदमी चोरी करता, दुर्बुद्धि आती है आदमी जुआ खेलता, दुर्बुद्धि आती है आदमी व्यभिचार करता, दुर्बुद्धि आती है आदमी लड़ता झगड़ता है, बैर विरोध करता, मुकदमाबाजी करता, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए। यहां तक दुर्बुद्धि आ जाती है तो जिन लोगों ने अपने घर का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, भाई बंधु कुल कुटुंब का परित्याग कर दिया, घर के जमीन जायदाद का त्याग कर दिया, ऐसे साधु महात्मा कहलाने वाले लोग भी दुर्बुद्धि जब आती है तब महंती के लिए हिंसा हत्या और मुकदमा करना शुरू कर देते हैं। हैं तो साधु हैं, बड़े अपने कहते हैं महात्मा हैं, अपने कहते हैं बैरागी, अपने कहते हैं त्यागी, लेकिन गद्दी के लिए महंती के लिए लड़ाई लड़ गए। दुर्बुद्धि नहीं है तो और क्या है? ऐसे लोग समाज को क्या प्रेरणा देंगे, समाज को क्या आदर देंगे, क्या सीख देंगे? स्वयं लड़ रहे हैं। जो साधु स्वयं लड़ता हो समाज को समता से शांति से रहने की सीख क्या देगा? साधु ही लड़ेगा तो दुर्जन लोग क्या करेंगे? फिर जो नहीं लड़ता वो साधु है। लड़ने वाला विद्वान हो सकता है, लड़ने वाला गायक हो सकता है, लड़ने वाला प्रवक्ता हो सकता है, लड़ने वाला ज्ञानी हो सकता है, लड़ने वाला धनवान हो सकता है, लेकिन लड़ने वाला साधु नहीं हो सकता। ये साधु की पहचान है। जो भी लड़ता है वो साधु नहीं होगा, चाहे कहीं कहो किसी मत कहो। लड़ने वाला सब कुछ हो सकता है, साधु और महात्मा तो नहीं हो सकता है। साधु ही लड़ेंगे तो और लोग क्या करेंगे फिर? अब क्यों लड़ते हैं? दुर्बुद्धि के कारण। अरे जिस महंती के लिए लड़ रहे हो, जिस गद्दी के लिए लड़ रहे हो, क्या गद्दी साथ में जाएगी? क्या महंती साथ में जाएगी? गद्दी शांति देगी? गद्दी महंती आपको कल्याण देगा? किसके लिए लड़ाई कर रहे हो फिर? इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ और जन्म को अच्छा बनाओ। जन्म अच्छा बनाना मतलब जीवन को अच्छा बनाना। आपने मकान अच्छा बनाया, बढ़िया बात, दुकान बढ़िया बनाया वो भी अच्छी बात, सबको अच्छा बनाओ, गाड़ी को अच्छा बनाओ, दुकान अच्छा बनाओ, कपड़ा अच्छा बनाओ, मकान अच्छा बनाओ, सब चीज अच्छा बनाओ। लेकिन जब तक जीवन अच्छा नहीं बनेगा तब तक दुनिया की कोई चीज आपको सुख नहीं देगी, हमें सुख नहीं देगी। और जीवन अच्छा बनाने का अर्थ क्या है? जीवन कैसे बनता है हमारा? हमारा जीवन बनता है हमारे कर्मों से, हमारे आचरण से। और इसके लिए हमें अपने जीवन को बनाना होगा प्रयोगशाला। कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर साइंस के विद्यार्थियों को थ्योरी बताता है, सिद्धांत की बातें बताता है, और उसके पश्चात पढ़ाने के बाद लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रयोग करवाता है। तब जो कॉलेज में पढ़ाया होता है, कक्षा में पढ़ाया होता है, वो बात विद्यार्थियों की समझ में सही ढंग से आती है। प्रयोग न करवाएं तो समझ में बात नहीं आएगी। ऐसे ही हम लोगों को अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाना होगा। हमने सुन तो लिया संतों से और ग्रंथों में पढ़ लिया कि संतोष करो, क्षमा करो, प्रेम करो, सहनशील बनो, और जीवन में प्रयोग नहीं किया तो सुनने से काम थोड़े बनेगा, प्रयोग करना होगा। प्रयोग धर्मी जीवन जब होगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा। कौन नहीं जानता है, कहने के लिए कौन नहीं कहता, भैया झुक करके चलो, संतोष की डाली में शांति फलता है, सहन करने वाला बड़ा होता है, प्रेम में ही सुख है, ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं कहता है।
लेकिन अपने जीवन में प्रयोग होता है या नहीं होता, प्रयोग नहीं करते। सब जानते हैं कि दुनिया में जन्म लेकर के जो आया है, एक दिन सबको जाना होगा। किससे मोह करें, किससे बैर करें, लेकिन क्या अपने जीवन में प्रयोग होता है? किसी के घर किसी की मौत हो जाती है तो नाते रिश्तेदार आते हैं, गांव वाले आते हैं, पार पड़ोस के लोग आते हैं, घर वाले रोते हैं, बिलाप करते हैं, हमारा बेटा मर गया, हमारा पिता मर गया, हमारी पत्नी मर गई, हमारा पति मर गया, हमारी माता मर गई, घर वाले रोते हैं। और जो नाते रिश्तेदार आए हैं, गांव वाले आए हैं, वो समझाते हैं, कहते भैया रो मत, अरे ये दुनिया में कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है, तुम्हारा होता तो तुमको छोड़ करके जाता क्यों, ये तो भैया मुसाफिर खाना है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही होगा, रो मत। बड़े ज्ञान की बात झाड़ते हैं, लगता है कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बैरागी हैं, और उनके घर मरता है तो वो खुद रोता है, प्रयोग नहीं कर पाता, वो ज्ञान उड़ जाता है, वो बैराग खत्म हो जाता है। तो एक कहानी सुनने से थोड़े होगा, जीवन को बनाना होगा प्रयोग धर्मी, प्रयोगशाला बनाए, एक एक चीज को हम प्रयोग करते चले, एक एक सद्गुण का प्रयोग करते चले। आंख पर संयम करना है, गलत देखना बंद कर दे, प्रयोग करना शुरू कर दे। कान पर संयम करना है, गलत चीज सुनना बंद कर दे, अच्छी चीज सुनना शुरू कर दे। जीभ पर संयम करना है, ऐसी चीजें ना खाएं जिसके खाने से शरीर में उत्तेजना आती हो, गर्मी आती हो, श्वास बिगड़ता हो, ऐसी चीजें खाएं जिससे जीवन निर्वाह होता हो और श्वास बनता हो। ये प्रयोग करना होगा ना, इसी को कहते हैं संयम करना। और संयम का अर्थ क्या होता है? हर जगह गलत का त्याग और अच्छाई को, सच्चाई को ग्रहण करना। गलत को हम छोड़ते जाएं, शेष जो रह जाएगी अच्छाई अपने आप रह जाएगी। आप जानते हैं कि एक मूर्ति बनाने वाला छीनी हथौड़ी लेकर के एक पत्थर को गढ़ना और छीलना शुरू करता है, गढ़ते छीलते गढ़ते छीलते, एक दिन उसी पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है, फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, भगवान बन जाता है। क्या उस मूर्ति को, उस भगवान को मूर्ति बनाने वाला ने बाहर ला करके बैठा दिया है? नहीं, उसी में वो मूर्ति छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या किया, छीनी और हथौड़ी के माध्यम से जिन अंशों ने, जिन गलत अंशों ने मूर्ति को ढक रखा था, छील छील करके उनको बाहर कर दिया। गलत अंश हट गए, शेष जो रह गया वो मूर्ति रह गई, वो भगवान रह गया, देवता रह गया। ऐसे ही हम प्रयोग करना शुरू करें, जो जो गलत बात समझ में आए हमारे जीवन में, एक एक को छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए, शेष जो रह जाएगा वो आपका परम तत्व होगा, वो आपका भगवान होगा, वो आपका परमात्मा होगा, वो आपका कबीर होगा, वो आपका राम होगा, कोई भी शब्द से आप कह दो। अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को, आचरण को, चरित्र को अच्छा बनाएं। चरित्र हमारे जीवन की रीढ़ है। जिस आदमी का चरित्र गया वो समझ लो रीढ़हीन आदमी हो गया, उसके जीवन कुछ नहीं बन गया। इसलिए हर जगह सावधानी की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कुसंग का त्याग, गलत संगत का त्याग, संग दोष का त्याग। सावधानी नहीं रखेंगे तो जीवन में कब दाग लग जाएगा कहा नहीं जा सकता है। निरंतर सावधानी सावधानी सावधानी। इसके लिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेर।
आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, निरंतर सावधानी, हर समय जागरूक, खाएं सावधानी पूर्वक, पिए सावधानी पूर्वक, बोलें सावधानी पूर्वक, चलें सावधानी पूर्वक, सोचें सावधानी पूर्वक, करें सावधानी पूर्वक, व्यवहार जोड़ें सावधानी पूर्वक, व्यवहार तोड़ें सावधानी पूर्वक, हर काम में सावधानी, हर काम में जागरूकता, हर काम में होश, हर काम में जागरूकता, हर काम में विवेक, विवेक पूर्वक जब काम होगा, यही तो सावधानी है, यही तो होश में आना है, तब जीवन अच्छा बनेगा। तीसरी बात सदगुरु कहते हैं, काग गवन गति छाड़ी के, कौवे का आचरण छोड़ दो। कौवा सब जानते हैं, कौवा बाहर भी काला होता है और भीतर भी काला होता है, बाहर भीतर काला। अनेक दोस्त हैं, हमें तो प्रेरणा लेनी है, सब उदाहरण देते हैं, कौवे की चाल छोड़ दो। कौवे में अलग दोस्त, कौवे में अनेक दोस्त, लेकिन तीन चार मुख्य दोस्त होते हैं। क्या होता है कि कौवा पहले तो कर कठोर कर्कश बोलता है, दूसरी बात गंदी जगहों में चोंच मारता है, और तीसरी बात हर समय संदेशील बना रहता है, स्थिर होकर के नहीं बैठता, इधर उधर ताकता रहता है। ये तीन दोष कौवे के हैं। साहब कहते हैं तुम्हें कौवे की चाल छोड़ दो, पहले तो कट बोलना, कर्कश बोलना, गलत बोलना छोड़ो, किसी की निंदा ना करो, किसी की बुराई ना करो, अनावश्यक किसी की आलोचना ना करो, किसी की बुराई की चर्चा करना, किसी की निंदा करने का मतलब है गंदगी खोदना, गंदी जगह में अपने मुंह को डुबाना। क्या फायदा है, कोई गलत है आपका क्या बिगड़ता है, अच्छाई की चर्चा करो। और आदमी किसी की निंदा, किसी की बुराई कब करता है, जब उसके पास करने के लिए अच्छा काम नहीं होता है, तब वो किसी की निंदा और बुराई करता है, और सोचता है निंदा बुराई करके उसे मैं छोटा बना दूंगा, लेकिन जिसकी निंदा की जाती, बुराई की जाती, वो छोटा नहीं होता है, निंदा करने वाला स्वयं छोटा हो जाता है। अरे किसी की लकीर को काटो मत, अपनी लकीर बड़ी खींचो, दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। किसी की बुराई क्यों करते हो, किसी निंदा क्यों करते हो, स्वयं अच्छा काम करो, अधिक त्याग से, अधिक संयम से, अधिक साधना से, अधिक वैराग से, अधिक संतोष से जीवन व्यतीत करो, सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें शक्ति नहीं है, हमें वो त्याग तप का बल नहीं है, अनेक बुराइयों से, मानसिक दुर्गुणों से, गलत आदतों से हम स्वयं ढके हुए हैं, तमाम कमजोरियों को हमने स्वयं पाल रखा है, और हम बुराई में पड़ गए। साहब कहते नहीं, ये तुम्हारे कौवे की चाल है, तुम कौवे बन गए उस समय, कौवा मत बनो, कौवे की चाल छोड़ो, और गंदी जगह में चोंच डालता है, गंदे चीज खाना छोड़ दो, अभक्ष भक्षण। आप हम मनुष्य हैं, मनुष्य का भोजन क्या है, मनुष्य का खाद्य क्या है, विवेक करो, विचार करो, सोचो, जिस भोजन से किसी को तकलीफ होती हो, जो भोजन किसी का हक मार करके प्राप्त किया गया हो, किसी की खुराक छीन करके प्राप्त किया गया हो, किसी प्राणी की हिंसा हत्या करके प्राप्त किया गया हो, जिस खाने से मन उत्तेजना आती है, वो आदमी का भोजन नहीं है, ये तो गंदी जगहों में चोंच मारना हो गया। इसलिए गंदे चीज का खाना छोड़ें और संदेही ना बने, विश्वास करना। आपने देखा होगा
कि कौवा जहां बैठता है चकर मकर यहां वहां ताकता रहता है। ऐसा लगता है मानो कौवा कोई खजाना लेकर के बैठा हुआ है और लोग उस कौवा खजाना को छीनना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, घर में रहते हैं वहां सब प्रसन्न दे, पति प्रसन्न दे, पत्नी पर, सास पर, बहू पर, पिता पर, पुत्र पर, भाई पर, पड़ोसी पर, यहां तक गुरु पर, शिष्य पर, गुरु भाई पर, सब प्रसन्न दे। और संदेश जहां आता है व्यवहार खराब होता है, टूटता है, विश्वास करना शुरू करें। हां इतना जरूर है कि अपरिचित आदमी पर एकाएक विश्वास मत कर लो, देखो परखो विचार करो तब उस पर विश्वास करो। लेकिन खास बात जिनके बीच आप रहते हैं परिवार सदस्य, पति पत्नी पिता पुत्र भाई सास बहू ननद भावत देरान जेठान गोतनी, उन पर कर रहे हैं अविश्वास, उन पर कर रहे हैं संदेह, आपकी गृहस्थी सुगद कैसे होगी? कितने गुरु हैं चेले पर संदेह करते हैं, कितने चेले हैं गुरु पर संदेह करते हैं। और गीता में कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति, संशयशील आदमी विनष्ट हो जाता है। संदेह की आवश्यकता है शुरुआत में, लेकिन जान लिए, समझ लिए, विचार कर लिए, अभी संदेह कब तक? विश्वास की आवश्यकता होती है। और खास करके जिनके बीच हम रहते हैं उन लोगों के साथ, एक कौवे का आचरण है कर्कश कटु बोलना, बेमतलब की बात बोलना, गंदी चीजों को खाना पीना और संदेहशील बने रहना, इनसे जीवन में अस्थिरता आएगी, इनसे जीवन में कहीं टिकाव नहीं होगा, मन चंचल बना रहेगा और हम भटकते रह जाएंगे। इनका त्याग, हंस गमन चली आओ, चौथी बात सदगुरु कबीर कहते हैं हंस के आचरण पर चले आओ। हंस कहते हैं मानसरोवर झील में होता है और मोती चुगता है, साथ साथ निरछीर का निबेरा करता है, दूध और पानी एक में मिले हो हंस पानी छोड़ देता है, दूध को ले लेता है। साहब कहते हैं तुम भी हंस हो। सदगुरु कबीर ने मनुष्यों को बार बार हंस कहा, हंस कहा है, हंसा हो चिच्चे सकेरा, हंसा तू तो सबल था, हंस बकु देखा एक रंग, हो जाना कुल हंस हो। सदगुरु कबीर ने अपनी वाणियों में हंस शब्द का प्रयोग अनेक जगह किया है और मानव मात्र को कहते हैं कि मानव मात्र हंस है। हर मनुष्य में विवेक की भूमिका है, मनुष्य बगुला नहीं है, बगुला क्योंकि बगुला सुधर नहीं सकता, बगुलों को चाहे जितना उपदेश करो, चाहे जितना उपदेश करो बगुला को कि मेढक मत खाओ, मछली मत खाओ, क्या वो छोड़ देगा? वो तो स्वभाव है। आदमी बगुला नहीं है, आदमी हंस है। आप हंस हैं, अपने स्वभाव को समझें, निर्छिर विवेक करें, सार असार का विवेक करें, पाप पुण्य का विवेक करें, सांस झूठ का विवेक करें, सभी ग्रंथों को पढ़ें, जितनी आपकी शक्ति है समझ है अच्छे सभी ग्रंथों को पढ़ें और सभी महापुरुषों को आदर दें। दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं सबको आदर दें, लेकिन आंख मूंद कर किसी की बात को न माने, परखें जो कहा जा रहा है, जो लिखा गया है वो सच है कि झूठ है। महिमा में तो नहीं लिखा गया है, चमत्कार में तो नहीं लिखा गया है, अतिशयोक्ति में तो नहीं लिखा गया है। जैसा लिखा गया है
वैसी घटना प्रकृति में घटती है या नहीं घटती है विचार करें। आंख मूंद कर भी कर किसी की बात ना माने। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि मेरी बात को भी आंख मूंद करके मत मानो। साहब तो कहते हैं साचा शब्द कबीर का फिर दिया देखो विचार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं सत्य का संदेश दे रहा हूं, मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो कथन है वो सत्य निर्णय के कथन है, सत्य निर्णय के की वाणी है। मैं सत्य का परिचय दे रहा हूं, सत्य का निरूपण कर रहा हूं, सत्य का संदेश दे रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से मानो मत, मेरी बात को भी आंख मूंद कर मत मानो। हृदय देखो विचार, हृदय में विचार करके देखो कि मेरी बात सच है या नहीं है। सच लगती है तो मान लेना और न लगे तो छोड़ देना। साहब ने कहा कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। सार सार को ग्रहण करना, हर जगह से सार को ग्रहण करना और असार को छोड़ना, यह हंस का आचरण है, हंस की चाल, हंस का स्वभाव। और हंस मोती चुगता है। मोती क्या है? ज्ञान के मोती चुने, सद्गुण के मोती चुने, सदाचरण के मोती चुने, यही तो मोती है। हंस कहां इतना मोती चुगेगा, लेकिन आदमी हंस। अज्ञान दुर्गुण दुराचरण के कंकड़ को न चुने, किंतु ज्ञान सद्गुण सदाचरण के मोती चुने। आप हर जगह जाएं और अच्छी अच्छी बातों को चुन चुन करके ग्रहण करते जाएं, सद्गुणों को चुन चुन करके ग्रहण करते जाएं, सदाचरण को चुन चुन करके ग्रहण करते जाएं। बस हंस बन गए आप हंस है ही, भूल गए हैं। फिर से याद करके ज्ञान के संयम के साधना के सद्गुण के मोती चुगना है। और हंस मानसरोवर में रहता है कहा जाता है। आपका और हमारा मानसरोवर कहां है? एक मानसरोवर झील हिमालय पर्वत में है, वहां हंस रहते हो या नहीं रहते हो बात अलग, लेकिन आदमी तो हंस है ना। आप हंस हैं, मानसरोवर में निवास करना है। वो कौन मानसरोवर? वो बाहर का मानसरोवर नहीं, वो तो उदाहरण है। असली मानसरोवर स्वच्छ झील, एक बाहर का मानसरोवर और एक भीतर का मानसरोवर। बाहर का मानसरोवर है साधु संगति सत्संग, यहां ज्ञान की मोती मिलेगा आपको। सदैव मानसरोवर अच्छी संगत, कहीं भी अच्छी चर्चा होती हो, ज्ञान की चर्चा होती हो, विवेक की चर्चा होती हो, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती हो, मुक्ति की चर्चा होती, जीवन को सही ढंग से जीने की चर्चा होती हो, ऐसी चर्चा जहां होती हो वो साधु संगति बाहर का मानसरोवर है। उस मानसरोवर में निवास करेंगे तो तन मन के जो दोष हैं वो प्रचालित होते रहेंगे, जीवन हमारा निर्मल होता रहेगा। और भीतर का मानसरोवर क्या है? स्वच्छ मन, स्वच्छ अंतःकरण, स्वच्छ अंतःकरण भीतर का मानसरोवर। वहां आत्मरूपी हंस का निवास होता है, हृदय में आत्मरूपी जीव रूपी चेतन रूपी हंस विराजमान है, लेकिन अंतःकरण बना हुआ है गंदा अपवित्र। इसलिए हमें उसका अनुभव नहीं हो सकता। साहब ने कहा मानसरोवर तट के बाती राम चरणचित अंत उदासी। मानसरोवर तट, वो मानसरोवर तट कौन है? वही स्वच्छ अंतकरण निर्मल मन। जिसका मन निर्मल हो गया उसके लिए क्या बाकी रह गया और करना? सारी पूजा की पूजा, सारे ध्यान का ध्यान, सारे ज्ञान का ज्ञान मन की निर्मलता। मन की निर्मलता के समान जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। जिसका मन निर्मल हो गया उसके जीवन से दुख विदा हो गया, पाप विदा हो गया, बंधन विदा हो गया, शेष जो रह गया पुण्य रह गया, मोक्ष रह गया। इसलिए
भीतर का जो मानसरोवर है, स्वच्छ मानसरोवर, स्वच्छ मन, स्वच्छ अंतःकरण, उसमें आत्मरूपी हंस विराजमान है, उसको समझ लें, उसमें स्थित हो जाएं, यही हंस गमनचर्याओं का अर्थ होता है। तो सद्गुरु कबीर इस साखी में हमें चार बातें बताते हैं। सकलों सारी दुर्बुद्धियों को दूर करना, दोष दुर्गुण दुराचरण गलत स्वभाव गलत आदत गलत कर्म गलत खान पान इनका त्याग, अच्छा जन्म बनाना है, जीवन अच्छा बनाना, कर्म अच्छा स्वभाव अच्छा व्यवहार अच्छा आचरण अच्छा, ये जीवन अच्छा बनाना है। संदेह छोड़े, कटुवाणी छोड़े, कर्कशवाणी छोड़े, किसी निंदा बुराई करना छोड़े, ये कौवे की चाल को छोड़ना है। निर्छीर का विवेक करना, ज्ञान की मोती चुगना और निर्मल अंधकार में निवास करना, ये हंस के आचरण में चले जाना है। इन चारों बातों पर हम विचार कर लें तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक छोटी साखी सद्गुरु कबीर की, सकलो दुर्मति दूर कर, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौनगति छाड़ के हंस गमन चले आओ। हम इस पर एक पर विचार कर लें, जिसके लिए मानव जीवन मिला है वो हमारा काम पूरा हो जाएगा। सद्गुरु कबीर ने छोटी सी साखी में गागर में सागर भर दिया है, हम लोगों को इस पर मनन करना है, चिंतन करना है और जीवन उतारना है। इन्हीं बतनों के साथ अपनी वाणी के समय पर विराम देता हूं।